नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश के साथ मैं हूँ रश गौरी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को मिलने वाले मिट्टी तेल के कोटे को घटा दिया है। इससे पहले दाल भात केंद्र के लिए अनाज देना केंद्र सरकार पहले ही बंद कर चुकी है, जबकि राज्य की भूपेश सरकार ने मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद भी कोटा कम कर दिया गया है और अब इसी पर तकरार शुरू हो गई है। तो चलिए आज चर्चा तेल पर, तकरार के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में छात्रावासों और दाल भात सेंटर के लिए अनाज बंद करने के बाद केंद्र सरकार ने अब राज्य को मिलने वाले मिट्टी तेल के कोटे में कटौती कर दी है। गरीबों के घर चूल्हा जलाने वाले मिट्टी के तेल में 38% की कटौती की गई है। पहली तिमाही में 28,764 किलो लीटर आवंटन किया गया था, जबकि दूसरी तिमाही के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 17,880 किलो लीटर आवंटन तय किया है। यह हाल उस वक्त है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की थी। तेल का कोटा घटाए जाने के बाद अब भूपेश सरकार नाराज है और उसने इसे लेकर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। मैं उज्ज्वला योजना के कारण जिनको गैस कनेक्शन दिया गया है उनके बारे में कहा गया कि इनको मिट्टी तेल का जो आवंटन है वो ना किया जाए, और उसी के कारण करीब 32% की कटौती हुई है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से तय किया गया है कि हम लोगों ने पहल की है कि इसको वापस रिस्टोर करें और हमारा कोटा और आगे बढ़ाएं, ताकि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें पर्याप्त मिट्टी तेल हम लोग उपलब्ध करा सकें। मिट्टी तेल की सर्वाधिक खपत छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में होती है, लिहाजा सरकार के वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा ने इसे लेकर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को आदिवासी विरोधी करार दिया। ऐसा कोई भी काम के लिए आदिवासी विरोधी है? मिट्टी तेल सिर्फ आदिवासी लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को उपयोग होने वाला चीज को, उसको बढ़ाना छोड़कर कम कर रहा है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी बोल क्षेत्र है, इनको अभी तक अबुझमा टाइप के क्षेत्र में, चाहे सरगुजा हो या बस्तर हो, लाइट भी नहीं पहुंचा है। और लाइट पहुंचा था तो छत्तीसगढ़ होने के कारण उनको लाइट भी नहीं मिल रहा है। मिट्टी तेल का थोड़ा बहुत लाभ होता था, उनको भी कम किया है। तो इसलिए मैं इस मांग को भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोधी मानसिकता दिखता है, हमेशा आदिवासी विरोध का काम करता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि मिट्टी तेल के अपर्याप्त कोटे की वजह से राज्य में 12.90 लाख राशन कार्डधारियों को कैरोसिन का वितरण नहीं हो पा रहा है। एलपीजी सिलेंडरों की रिफिल कीमत के युक्तियुक्तकरण और एलपीजी वितरकों की संख्या में पर्याप्त प्रसार होने तक ईंधन के रूप में मिट्टी तेल की जरूरत बनी रहेगी। ऐसे में कटौती से गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसके बावजूद भी केंद्र ने मिट्टी तेल में भारी कटौती कर दी है। तेल पर तकरार और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास पैनल रायपुर स्टूडियो से जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। बीजेपी नेता हैं सच्चिदानंद उपासने जी। उपासने जी, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष और बीपीएस नेताम है। नेताम साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। उपासने जी, सबसे पहले आपका रुख, भाई ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जब राज्य सरकार ने पत्र लिखकर कहा था कि तेल के कोटे को बढ़ाया जाए, यहाँ पे कोटा बढ़ाना तो दूर 38% की कटौती कर दी है, भेदभाव क्यों? देखिए, देश
देश एक नए परिवर्तन की ओर जा रहा है। भेदभाव निश्चित रूप से जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, घर घर तक बिजली पहुंचाना, घर घर तक गैस चूल्हे की व्यवस्था, सिलेंडर की व्यवस्था, तो जो पुरानी परंपराएं हैं उनको समाप्त करते हुए और एक उन घरों तक जो कभी बिजली की सुविधा से और उसका लाभ नहीं ले सकते थे उन तक केवल एक वर्ग तक पहुंच सकती थी उस हाँ। गैस सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था का लाभ यदि आदिवासी गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को केंद्र की सरकार ने दिया है तो निश्चित रूप से जो एक केरोसिन का व्यापार पूरे देश भर में चलता था उस केरोसिन के व्यापार में बहुत से लोग फल फूल रहे हैं और सब्सिडी के माध्यम से बहुत बड़ा एक देश को चूना लगाने का काम भी उस केरोसिन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए केंद्र की सरकार जिन घरों तक बिजली पहुंचा रही है, जिन घरों तक गैस सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंचा रही है तो निश्चित रूप से वो पात्र उसके नहीं होंगे कि आखिर वो मिट्टी तेल का क्या करेंगे। वो मिट्टी तेल कहीं ना कहीं काला बाजार में बिकने वाला है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होने वाला है और यही कारण है रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब निर्णय लिया है तो कांग्रेस के अनेक लोग जो काला बाजारी में लगे हुए उनके कहीं ना कहीं नुकसान होने का संभावना है। पहले आपने दाल भात के कोटे में उसके अनाज के कोटे में आपने कमी कर दी, छात्रावासों में जो दाल भात दिया जाता था उसके कोटे में कमी कर दी, फिर दाल भात सेंटरों में जो अनाज दिया जाता था उसमें कटौती, अब ये तीसरी कटौती आपने मिट्टी तेल के उसमें कर दिया, 38% की कटौती। जो लोग सिलेंडर रिफिल ही नहीं करा सकते वो कैसे? जो आदिवासियों की बात कर रहे हैं, जो सरकार आदिवासियों की बात कर रही है उस सरकार ने उनके चना योजना को बंद कर दिया, उनकी चावल योजना को बंद कर दिया, उनकी दाल योजना को बंद कर दिया, उनके पादत्राण योजना को बंद कर दिया, उनकी स्वास्थ्य योजना जो केंद्र की 5 लाख तक की उसको छीन लिया। वो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं? जो अपने ही प्रदेश की योजनाएं चल रही थी उन प्रदेश की योजनाओं को आदिवासियों के मुंह से छीन लिया, उनको उससे वंचित कर दिया और आज जो व्यवस्थाएं केंद्र की सरकार ने बनाई है उसको भी एक प्रकार से बंद करके कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के गरीबों साथ किसानों के साथ जो मिलना था उससे भी उनको वंचित कर दिया। ये कह रहे हैं कि लोगों तक सिलेंडर पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी, इसलिए वो लोग अब पात्र हैं, अपात्र लोगों को अब मतलब कैरोसिन नहीं आवंटित किया जाएगा। चाहे अब आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं जो कैरोसिन पर निर्भर करते थे, खाना बनाने के लिए डिपेंड किया करते थे, भले बारिश का मौसम अब सर पे आ गया हूं, लेकिन कटौती कर दी गई है, कोई गलत काम नहीं किया। कितना इत्तेफाक उपासना जी की बातों से। नेताम जी आपसे मेरा सवाल है जी। जी आपको मेरी आवाज मिल रही है नेताम जी? बोलिए बोलिए। हाँ मिल रही है, बताइए जी। नेताम जी उपासना जी कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब लोग पात्र हो चुके हैं, इस वजह से भाई मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती कर दी है, कोई गलत काम नहीं किया है। नहीं ये तो बिल्कुल गलत काम हुआ। माने केंद्र सरकार ने क्या सोच करके इसमें कोटे में कटौती किया है। मैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, जहाँ जहाँ गैस सिलेंडर क्या हर घर में थोड़ी पहुँच पाया है, अभी उज्ज्वला योजना सब जगह नहीं पहुँचा और जहाँ पहुँचा भी है एक बार उपयोग करने के बाद रिफिलिंग के लिए लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, उनके पास रिफिलिंग के लिए पैसा नहीं है। उनका तो बिना पैसे के काम चल जाता था कि जंगल से लकड़ी लाए, लकड़ी जला के अपना काम चला लेते थे, लेकिन लकड़ी जलाने के लिए भी केरोसिन की जरूरत पड़ती है, बरसात में लकड़ी आसानी से नहीं जलता, तो केरोसिन हमेशा उपयोग उसके रोज का काम आने वाला चीज है और केरोसिन में कटौती करके केंद्र सरकार ने बड़ी गलती की है। अब इससे लगता है कि उनकी आदिवासी विरोधी मानसिकता का पता चलता है। हम शहर में रहने वाले लोग या मध्यम वर्गीय लोग, भले हम लोग केरोसिन का उपयोग नहीं करते,
अब गैस आसानी से मिल जाता है, पर गैस जो है उनकी समस्या और बढ़ा दिया है। कई घरों में देखे हैं एक बार उपयोग होने के बाद सिलेंडर ज्यों का त्यों रखा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है, और पैसा खर्चा करने के बजाय वो जंगल से लकड़ी बीन करके ला करके जला लेते हैं, उससे उनका काम चल जाता है, वो बहुत आसान लगता है उनको। तो ये केरोसिन में कटौती जो है वो सही काम नहीं हुआ, और इसका कोटा केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए। अब मैंने, हम सब भारत के नागरिक हैं, कोई अलग सरकार विरोधी विपक्षी है या वहाँ अलग पार्टी की सरकार है या अलग पार्टी की सरकार है, तो ऐसे बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, और सबको समान रूप से जनता के हित में सरकार को काम करना चाहिए, चाहे चावल का कोटा हो या केरोसिन का कोटा हो, जितनी जरूरत है उतना उनको उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, वाकई में जितनी जरूरत है उपलब्ध कराना चाहिए। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से 38% की कटौती मिट्टी के तेल में की गई है, क्योंकि मार्च में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लिख चुके थे, पत्र लिख चुके थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो जिस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को सिलेंडर मिले हैं वो अभी तक रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं, कई तमाम खामियों को लेकर उन्होंने पत्र लिखा था और कोटा बढ़ाने की मांग की थी। जिस तरह से यहाँ पे केंद्र सरकार ने कोटा घटाया, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है और वनवासी वन क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर अभी भी कई जगहों पर बिजली नहीं पहुँची है और वहाँ पर गैस भी नहीं पहुँचा है। नेताम जी ने बिल्कुल सही कहा, आदिवासी समाज से आते हैं, अधिकारी रहे हैं सब क्षेत्रों की, उनको जानकारी है। मैं सहमत हूँ उनकी बात से। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जरूरत केरोसिन की लोगों को आज भी है, उसको शायद केंद्र सरकार समझ नहीं पा रही है। और जो आंकड़े यहाँ से गए हैं प्रदेश से, ऐसा तो नहीं उज्ज्वला योजना के बिजली पहुँचा, शर्मा जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है समझ भी रही है केंद्र सरकार, लेकिन प्रदेश में सरकार है शायद इस वजह से भी कटौती कर दी गई हो? संभव है, राजनीति में ऐसा कहा जा सकता है। जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनकी विरोधी पार्टियां, वो ऐसा आरोप लगा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि जानबूझ करके भी किया जा रहा है, ताकि ये सरकार अपारी नहीं है, भाजपा की नहीं है, कांग्रेस की है, तो उसको परेशान भी किया जाए, ऐसा आरोप लग सकता है। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, इसका जो एक, अगर मान लीजिए मिट्टी तेल का कोटा यहाँ वैसा का वैसा रहता है, आप उसको समझिए, तो किसी को भी ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए आज भी मिट्टी तेल का कोटा आप उतना ही दे रहे हैं, फिर कहाँ गई आपकी उज्ज्वला योजना? आप कैसे कहते हैं कि उज्ज्वला योजना में इतने कनेक्शन हमने प्रदेश में दे दिए, मतलब आपका वो आंकड़ा झूठा है उज्ज्वला योजना का, ये आरोप लगेगा। इसलिए जो है, जो उज्ज्वला योजना के जो आंकड़े यहाँ से गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, पिछली राज्य सरकार की तरफ से, कि अपने हमने इतने परिवारों के पास उज्ज्वला योजना पहुँचा दिया, गैस पहुँचा दिया, हमने धुआं रहित कर दिया, उसी आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने मट्टी तेल का कोटा कम कर दिया, वो आंकड़ों का खेल है। और निश्चित रूप से जो है, जब हमने उज्ज्वला योजना पहुंचा दिया है, गैस से काम हो रहा है, तो हम मिट्टी तेल का कोटा कम क्यों ना करें? क्या काम फिर मिट्टी तेल का, जब उज्ज्वला योजना, ये है पेच। और वास्तविकता ये है कि उज्ज्वला योजना पहुंची और एक बार रिफिल हुआ, एक बार गैस सिलेंडर मिला, लोग खुश हुए, हमने भी कहा कि धुआं रहित हुई है हमारी आम जनता, और उनको झंझट से दूर हुए। लेकिन जो गरीब लोग लकड़ी बीन करके लाते थे, बिना पैसे खुद बीन करके लाते थे और घर में अपना चूल्हा जला करके रोटी पकाते थे या चावल पकाते थे, जो भी पकाते थे, और पका करके वहाँ खाते थे, उसमें उनको उसके लिए एक पैसा नहीं लगता था चूल्हा जलाने के। इसमें आज उसमें जो है 778 से लेके 800 रुपए तक के देना है महीने के अंत में, कहाँ से लाएगा वो गरीब? सोचने की बात है, जिसकी 2000-3000 रुपए की इनकम है, वो कहाँ से 800-900 रुपए एक बार देगा? वो सब्सिडी आएगी जब आएगी, लेकिन सवाल ये कि एक साथ 800 देगा कहाँ से वो? ये प्रश्न जो है, इस योजना में एक खामी यही है, इस योजना में इस बात को भी जोड़ लेना चाहिए कि उन गरीबों को किस तरह से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग मुफ्त में की जाएगी, या नॉमिनल 5-10-15-25 रुपए लेकर के किए जाएंगे। गरीब है वो लोग, वो उतना पैसा नहीं दे सकते। योजना अगर करना है, लेना है, तो इस तरीके से ली जाती। अब दूसरा सवाल बिजली की बात आएगी। अब आप साहब अगर मान लीजिए केरोसिन देंगे, लालटेन युग आज भी है, आपको मैं बता दूं, अभी भी बिजली पहुंचने की जितने भी दावे लोग कर रहे हैं
वहाँ उतनी बिजली पहुँची नहीं, आज भी लालटेन युग में लोग जी रहे हैं, इसलिए जो है मिट्टी तेल की जरूरत है। भूपेश बघेल ने उस बात को समझा है, जाना है, वो किसान पुत्र है, वो जानता है कि गांव में क्या स्थिति है, इसलिए जो है उसने केरोसिन के कोटे को सब बना के रखने के लिए मोदी जी से आग्रह किया। मोदी जी गांव की इस बात को समझते हैं या नहीं समझते मैं नहीं कह सकता, मैं किसी प्रकार की बात नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि वो जरूर समझते होंगे, लेकिन उज्ज्वला योजना और बिजली घर घर पहुंचाने की योजना की सफलता की बात उनको करनी है, उसके कारण जो है केरोसिन का मात्रा कम की गई है। जी बिल्कुल उपासना जी, जिस तरह से यहाँ पे नेताम जी ने कहा और जिस तरह से बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं, ठीक है आपने कटौती कर दी कोटे में, चलिए मान लिया, लेकिन कटौती करने से पहले आप एक केंद्र से एक डेलीगेशन भेजते हैं जो स्टडी करता, रिवीजन होता, रिवाइव होती चीजें, फिर उसके बाद अगर आप ये कटौती करते हैं, आप उस स्टडी में क्या कंक्लूजन आप लोगों को मिला है, फिर कहीं जाके एक कंक्लूजन निकलता तब कटौती करते तो शायद मुनासिब होता, आपके पास भी एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर होते। लेकिन जिस तरह से कटौती की है कि राज्य सरकार कह रही है कि भाई ये दिक्कतें हैं यहाँ पे एज इट इज कोटे को, एज इट इज तो ठीक है बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ाने की जगह आप लोगों ने कम कर दिया सर, राजनीति तो होगी। देखिए सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा और आज जो पूरे देश भर में कांग्रेस का सफाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी सफाया हुआ है, और जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कांग्रेस की सरकार के सामने केवल एक ही है कि एक भी केंद्र की योजना को कभी उन्होंने इतना सराहने का काम नहीं किया, अपितु उसमें केवल मिनमेक निकालने का काम किया है और केवल झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके आदिवासी के नाम पर राजनीति यदि होती है तो वो आदिवासी जिसने कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में चुनकर भेजा है उसके पहले भी से यदि वास्तव में उज्ज्वला योजना तक नहीं पहुंची होती, वास्तव में उसके घर में बिजली नहीं पहुंची होती जो कांग्रेस से उसको दुष्प्रचार करते थे चुनाव के पहले, किस प्रकार का वातावरण बनाया गया था इस प्रदेश में, आदिवासियों के घर में बिजली नहीं पहुंची, आदिवासियों के घर में गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है, उनको रिफंडिंग नहीं हो रही है, ये इस प्रकार का वातावरण। लेकिन जिसको लाभ ले, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना, जिसके घर में उज्ज्वला योजना पहुंची, जिसके घर में उज्ज्वला योजना पहुंची, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसी आदिवासी ने, उसी गरीब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ये केवल कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके 38% कम हुआ है। यदि वास्तव में केंद्र की सरकार ने जहां तक बिजली पहुंचाई है, जहां तक ये बात बोल रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, तो 85% केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 85% रिफिलिंग लगातार हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। यदि ये 85% रिफिलिंग हो रही है तो क्या ये धांधली हो रही है? 85% रिफिलिंग जो है उस आदिवासी की खुशी है कि वो कहीं ना कहीं संसाधनों से उस रिफिलिंग में पहुंच रहा है। ये बोलना चाहिए कि ठीक है रिफिलिंग की व्यवस्था सुलभ बनाने चाहिए, हर योजना गलत नहीं हो सकती है, कोई इस देश को नई दिशा देने के लिए हम जा रहे हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी की ओर नहीं जा रहे हैं, हम एक नए इतिहास को रचने जा रहे हैं, हम एक नया भारत बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए उस योजना को लागू करके क्या एक अभिजात्य वर्ग का ही कोई अधिकार है कि वो गैस सिलेंडर का उपयोग करे? क्या एक अधिकार एक अभिजात्य वर्ग को ही शहरी क्षेत्र को अधिकार है कि वो बिजली का उपयोग करे? क्या वो आदिवासी को उपयोग नहीं है? क्या राजनीतिक अपने स्वार्थ के चलते उसको इससे वंचित कर दिया जाएगा? ये बातें जो है केवल एक राजनीतिक प्रेरित है आरोप प्रत्यारोप। केंद्र की सरकार उस आदिवासी का हित चाहती है, उस गरीब का हित चाहती है, इसलिए इस प्रकार की जनहितकारी योजना बनाई गई है। सब्सिडी छोड़ी आपने आपने छोड़ी सब्सिडी, भारतीय जनता पार्टी कैसे कितने नेता है, केंद्र सरकार कैसे कितने मंत्री हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडी की इच्छा से छोड़ दी हो, सर बताइए ना। तेल में कालाबाजारी हो रही क्या? अरे सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने सब्सिडी छोड़ी? भारतीय जनता पार्टी कितने ऐसे कितने मिनिस्टर हैं जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी? मिट्टी तेल के वही लोग सब प्रकार के कालाबाजारी करते हैं। सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपने सब्सिडी छोड़ी ऐसे कितने मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी हो, देश हित के लिए सब्सिडी छोड़ी है, कहा हो कि हाँ हमारी सब्सिडी इनको मिलनी चाहिए? छोड़ी है मेरे परिवार ने सब्सिडी छोड़ी है, आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छोड़ी है, हम पहले व्यक्ति हैं जिसने हमारे परिवार में, हम भी अपनी सब्सिडी छोड़ के बैठे हुए हैं, आप आकर देख सकते हैं रिकॉर्ड, हम भी अपनी सब्सिडी छोड़ के बैठे हुए हैं। आप पत्रकार जी से भी कहूंगा,
हर चीज का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। मैंने छोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने छोड़ी है, हमने भी छोड़ी है, और यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से कई लोगों ने अपनी सब्सिडी अपनी स्वेच्छा से छोड़ी है देश के बेहतर निर्माण के लिए। लेकिन ठीक है, योजनाएं बनती हैं, क्रियान्वयन में फर्क होता है, कभी बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन हो जाता है, कभी उतने सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। बात यहाँ सिर्फ ये है कि जिस क्षेत्र जिस प्रदेश को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ वाकई में जरूरत है सर। अगर कालाबाजारी हो रही है, 15 साल आपकी सरकार थी, 15 साल आपने राज किया है सर, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में खामियां रही होंगी। सरकार को बदले हुए अभी सिर्फ महज 6 महीने हुए हैं, आप इस तरह से नहीं कर सकते। नेताम जी आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पे तो उपासने जी मानने को तैयार नहीं है कि खामियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी खामियां जरूर है, राजनीतिक लोग राजनीतिक ढंग से बात करते हैं। ये वहाँ जंगलों में आदिवासी क्षेत्रों में जाकर देखें कितने घरों में गैस पहुँचा है और कितने घरों में नहीं पहुँचा है, बिजली सब जगह नहीं पहुँचा है। अभी भी लालटेन का उपयोग किया जाता है, उनको केरोसिन की जरूरत है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई रिफिलिंग की सुविधा नहीं है सब जगह, और लोग जो है सिलेंडर एक बार खाली होने के बाद रख के बैठे हुए हैं, तो उससे अच्छा हर घर में बिजली पहुंचा देते, हर घर को इंडक्शन दे देते, तो वो ज्यादा सुविधाजनक होता। ये जो उज्ज्वला योजना के तहत धुआं मुक्त जो करने हर घर को करने का जो सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार अब जैसे कह रहे हैं कि लोगों ने आदिवासियों ने उनकी सरकार माने उनकी पार्टी को वोट दे करके भेजा है, तो हमारे प्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए जिन लोगों ने वोट दे करके उनको केंद्र में भेजा है, सांसद बना के भेजा है, वो लोग क्या नहीं जानते उनके दुख दर्द को। बिल्कुल सही बात है, और इसी चीज को शायद उपासना जी समझने के लिए तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं शर्मा जी, आपका 100% बंद नहीं हुआ है। जिन लोगों तक घर तक बिजली पहुंची है ये हितग्राही है, हितग्राहियों की सूची है, उस हितग्राहियों की सूची के आधार पर जो आंकड़े निकले हैं सर, 15 साल की सरकार में हम कई डिबेट कर चुके हैं, बाबूलाल शर्मा जी भी रहे हैं, आप भी रहे हैं, और जिन जगह कई ऐसे गांव भी निकले 2018 तक जहां पे बिजली के खंभे तो लग गए, तार नहीं पहुंचे, लेकिन लोगों के घरों में बिजली का बिल बकायदा पहुंचा है। हमने इन तमाम चीजों पे भी 2018 तक जब आपकी सरकार थी तब भी हमने इन तमाम चीजों पर चर्चा की थी। आप इस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी कितनी होती है राजनीति में ये हमें भी पता है, और आप हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी शर्मा जी आपसे। देखिए आपने जो कहा है, भाई साहब ने भी जो कहा है, वो आंकड़ों का खेल है, बिल्कुल सही है। भाई साहब जो बता रहे हैं आंकड़ों के आधार पर बता रहे हैं जो सरकार के पास उपलब्ध है, वास्तविकता जो बता रहे हैं वो नेताम जी स्वयं आदिवासी हैं, आदिवासी समाज के प्रमुख हैं, वो वास्तविकता बता रहे हैं कि मेरे गाँव की स्थिति क्या है, मेरे लोगों की स्थिति क्या है, आदिवासी समाज से वो जुड़े हैं। भाई साहब राजनीति से जुड़े हैं उपासना जी, तो वो राजनीति में आंकड़ों के हिसाब से अपनी बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना किया, वो प्रमाण भी दे रहे हैं कि इसीलिए जनता ने, हम दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से सही हैं, लेकिन वास्तविकता जो बता रहे हैं वो नेताम जी बता रहे हैं। नेताम जी आदिवासी हैं, आदिवासी अधिकारी रहे हैं, समझ रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, अपने समाज के प्रति उनके दिल में दर्द है, वो जानते हैं मेरे समाज के लोगों की क्या स्थिति है, इसलिए वो वास्तविकता बता रहे हैं। उपासना जी को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आदिवासी लीडर देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होगा, और वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं कहता पूरा सब कुछ, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। और इसलिए जो है मैं जो बोल रहा था आंकड़ों का खेल, ये आंकड़ों की बाजीगरी है। अब राज्य सरकार के सामने, आज की जो राज्य सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, उसके सामने एक चुनौती है कि वो इस बात का पता लगाए कि उज्ज्वला योजना की सफलता कितने परसेंटेज है, और वो उस आंकड़े को भेजे सरकार के पास में, केंद्र सरकार के पास में, कि आपके जो उज्ज्वला योजना के आंकड़े हैं ये आपने लिखा है कि 20,000 परिवारों में आपने पहुंचा दिया या 1,00,000 परिवारों में आपने पहुंचा दिया, तो आपके वास्तविक आंकड़े ये है कि 1,00,000 परिवार में आपने इतने लोगों के पास पहुंचाया है, और उतने लोगों के पास भी वो रिफल बेकार पड़ा हुआ है। ये आंकड़े उनको सर्वे करवा के जो है इकट्ठे करने चाहिए और केंद्र सरकार के पास उसके बाद पहुंचना चाहिए कि ये स्थिति है और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी आदिवासी जो है
डिबरी युग, डिबरी आप समझती होंगी मेरा जहाँ तक ख्याल है, डिबरी छोटी सी होती है, लालटेन की जैसी होती है छोटी सी, एक बत्ती उसमें होती है, उस युग में जी रहे हैं लोग, उस युग में आदिवासी क्षेत्र के लोग जी रहे हैं, कहाँ किस मुकालते में हम लोग, हम लोग आराम से जी रहे हैं, हमको पता नहीं उनकी गरीबी की क्या स्थिति है। इसलिए जो है आप वास्तविकता को देखें और वास्तविकता के करीब करीब आपके डिबेटर हमारे साथ जो बैठे हैं आदिवासी समाज के नेता जी, वो वास्तविकता के थोड़े करीब है और आंकड़ों के करीब हमारे उपासना जी हैं। बिल्कुल, बाकी मैं तो उपासना जी आंकड़ों की बाजीगरी और हर मुद्दे पर कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी करने से बेहतर है कि वाकई में हम एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर पे बात करें और कुछ निष्कर्ष निकले, क्योंकि चर्चा का उद्देश्य ये है हमारा कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कम से कम उसका एक सार्थक पहलू निकले और उसका जो लाभ है वो उन हितग्राहियों तक पहुंचे जिनके लिए ये तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं और जिनके क्रियान्वयन में दिक्कत होती है। बहरहाल मेरा काम ही है सवाल पूछना, तो हम तो पूछेंगे, इसलिए चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया उपासना जी आपका, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी शुक्रिया और नेताम जी आपका भी शुक्रिया। तेल पर तकरार के साथ इसी मुद्दे पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं, माखीजा रेस्क्यू बेबी सेंटर, लाइफ विद इंडिया, बिलासपुर।